तो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं राहुल सिंह, आप सभी का ट्रेनर, फिर से एक बार आईसीएल क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, आज के हमारे इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हमारी बिल्स ऑफ मटेरियल से होगी। प्रीवियस चैप्टर जिन्होंने मेरा देखा होगा, उन्होंने सीखा कि कैसे टेलीप्राइम में स्टॉक को चढ़ाया जाता है, और आज हम सीखेंगे किस तरीके से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में, और उसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे। यानी कि जो आज मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसका नाम है बिल्स ऑफ मटेरियल। इसमें मैं आपको दो पार्ट कराऊंगा, पार्ट वन यानी कि सिंगल यूनिट का पार्ट, और पार्ट टू जिसमें आप मल्टीपल यूनिट्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल में आपके कुछ स्टेप्स आएंगे, यानी कि अब आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल मार्केट से परचेस करेंगे, फिर रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उसको आप परचेस वाउचर में रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड जो स्टेप आएगा हमारा, वो आएगा बिल्स ऑफ मटेरियल का फॉर्मा लगाने के लिए, यानी कि किस तरह से टेली प्राइम में बिल्स ऑफ मटेरियल का फॉर्मा जनरेट किया जाएगा। उसके लिए आपको फॉर्मा लगाते समय ये ध्यान रखना है कि आप कितना जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट कितना आप बनाना चाहते हैं, और उसको बनाने में कितनी कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। देन इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो कि ऑल्ट F7 पूरा का पूरा टोटली मैं आपको प्रैक्टिकली असाइनमेंट्स के साथ आपको मैं समझाऊंगा। यानी कि पहला स्टेप हमारा हो गया, हम गुड्स परचेस करेंगे। सेकंड स्टेप हो गया हमारा, हम बिल्स ऑफ मटेरियल का फॉर्मा लगाएंगे। थर्ड स्टेप हमारा जो हो गया वो होगा, हम प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें ऑल्ट F7 आपकी शॉर्टकट की यूज होगा, और कंट्रोल प्लस H के साथ आप उसमें अपना मोड चेंज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मोड ले सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग मोड लेने के बाद आप उसमें प्रोडक्शन कर देंगे, और उसमें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करते समय अगर कोई आपका एक्सपेंस आया है, तो वो एक्सपेंस आप ऑल्ट सी करके डायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू आप उसे ले सकते हैं परसेंटेज और अमाउंट में। देन उसके बाद क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है, तो वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन कैसे आपको गुड्स जो है अपने इन्वेंट्री जो है वो कैसे ट्रांसफर करने हैं, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद कैसे सेल करेंगे और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे ऐड करना है। यानी कि टोटली हम पांच स्टेप में इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। पहला हम परचेस करेंगे रॉ मटेरियल, फिर सेकंड हम स्टेप में उसका फॉर्मा लगाएंगे बिल्स ऑफ मटेरियल का, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम गुड्स ट्रांसफर करेंगे, और फिफ्थ स्टेप में हम सेल करके देखेंगे। सो गाइज, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और भारत शिक्षा मिशन 2021 में मेरे साथ जुड़ें, और डोमेस्टिक एंड एमएनसीज कंपनी में एज अकाउंटेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं टेली प्राइम के फ्री कोर्स को ज्वाइन करके। सो गाइज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, और आइए चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने आपको बताया कि बिल्स ऑफ मटेरियल का क्या मतलब होता है, और अब बिल्स ऑफ मटेरियल को मैं टेली प्राइम पर आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है, बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए जो है चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके मैं कई पार्ट आपको कराऊंगा बिल्स ऑफ मटेरियल के, तो ध्यान से चलिए। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक असाइनमेंट्स के थ्रू चीजों को समझाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे एक एंट्री पास कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 3.5 लाख रुपए, और बैंक बैलेंस जो है हमारा 5 लाख रुपए। तो मैं टैली प्राइम में जाऊंगा, और टैली प्राइम में यहाँ पर वाउचर में एक रिसीव वाउचर में जाके हम एंट्री पास कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल अंडर हमारा कैपिटल आ जाएगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ, और टोटल जो हमारा अमाउंट बना है वो बन गया हमारा 5, 6, 7, 8, 8.5 लाख रुपए। तो मैंने 8,50,000 रुपए से यहाँ पे एक एंट्री पास कर ली, ताकि जब हम पेमेंट वगैरह करें तो हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव ना जाए। तो कैश 3.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और अगेन डेबिट कर देंगे आप यहाँ पे SBI अंडर बैंक अकाउंट चला जाएगा आपके। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑलरेडी मैं आपको जनरल एंट्रीज करा चुका हूँ, और हम इस विंडो को सेव कर देंगे। चलिए इसके बाद फिर से चलते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम राज प्राइवेट लिमिटेड, उसका बिल नंबर दिया, और गोडाउन है यहाँ पे भजनपुरा। और क्या क्या चीजें हम परचेज कर रहे हैं, पेन, ठीक है, शार्पनर, पेंसिल, रेजर,
रूलर, कंपास, इट मींस हम एक स्कूल किट, ज्योमेट्री बॉक्स का जो सामान है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल को परचेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम परचेस में चलते हैं और सीधा F9 में आपको आना है। बिल नंबर आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए PUR INV/25। तो मैं यहाँ पे परचेस INV मतलब इनवॉइस और 25 मैंने बिल नंबर डाला। पार्टी का नाम क्या है, ऑल्ट सी करके यहाँ पे बनाएंगे आप, राज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने यहाँ पे राज प्राइवेट लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, और मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके राज की आप डिटेल डालिएगा। क्या होगा कि जब आप बिल प्रिंट करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको उसमें चीजें दिखेंगी। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। देन इसके बाद परचेज का लेजर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट कर देता हूँ। परचेज अंडर जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में। चलिए अब एक एक करके हम चीजों को परचेज करते हैं ऑल्ट सी करके, और असाइनमेंट में देखते जाते हैं। हमने पेन परचेज किए हैं 500, और गोडाउन भी मुझे बनाना था तो गाइज मैं यहाँ पे गोडाउन भी बना लेता हूँ बाहर निकल के। चलिए मैं एक बार चलता हूँ बाहर। देखिए यहाँ पे क्रिएट, और आप देखेंगे यहाँ पे गोडाउन भी आ रहा है, तो मैं गोडाउन बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ भजनपुरा। पहले आप गोडाउन क्रिएट कर लीजिएगा। वापस आते हैं वाउचर में, F9 इनवॉइस नंबर परचेज ऑब्लिक INV/25, पार्टी का नेम राज प्राइवेट लिमिटेड, परचेज का लेजर अब ऑल सी करके। सबसे पहले लेते हैं पेन, यूनिट क्या लेंगे इसकी, पीसीस। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आप लीजिए पीसीस। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद और कुछ नहीं छेड़ना आपको। देन कितने हैं, 500 पीस और 50 रुपए के। तो यहाँ पे मैं गोडाउन ले लेता हूँ भजनपुरा, क्वांटिटी है 500 और रेट है हमारा 50 रुपए का एक, ठीक है। इसके बाद शार्पनर ले लेते हैं, एक हजार पीस है हमारे ये, यूनिट ले लेते हैं इसकी पीसेस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, फॉर्मूला लगाना है और सीधा प्रोडक्शन कर देना है। क्वांटिटी कितनी, 1000 हमने यहाँ पे खरीदी, और इसका प्राइस कितना है, 10 रुपए। ये असाइनमेंट आपको खुद भी करना है। इसके बाद है पेंसिल, 1000 हमने पेंसिल परचेज करी है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी पीसेस। देन इसके बाद रेट देख लेते हैं इसका, 5 रुपए की एक पेंसिल हमें पड़ गई। देन इसके बाद अगेन आगे देखते हैं क्या है, इरेजर है 1000, यूनिट आ जाएगी हमारी पीसेस। गोडाउन आ गया हमारा भजनपुरा, और हमने 1000 यहाँ पे ले ली इरेजर, इरेजर भी हो गया। देन इसके बाद देखते हैं अगला क्या कह रहा है, रूलर है 1000, 20 रुपए का एक है, तो यहाँ पे हम रूलर ले लेते हैं आजकल। रूल गोडाउन हो गया हमारा भजनपुरा, 1000 पीस ही हमने लिए हैं और ये 20 रुपीज का एक पीस हमें पड़ा है। देन इसके बाद जो है वो ले लेंगे हम कंपास, तो ऑल सी करके हमने कंपास ले लिया, और यहाँ पे पीसेस। देन इसके बाद सेव कर देंगे। गोडाउन हमारा भजनपुरा, क्वांटिटी जो है वो 500 पीस रहेगी, और ये हमने लिया है 25 रुपए का, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा परचेज करने का जो कंसेप्ट था वो फिनिश हो गया। ई वे बिल को आप अभी नो रखेंगे, और ये हमने जो है रॉ मटेरियल जो है टोटली परचेस कर लिया। रेफरेंस नंबर डाल दीजिए दिस वन, ओके। नाउ इसके बाद देखिए क्या करा है, सेट द फॉर्मूला टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ स्कूल किट, यानी कि जो स्कूल किट हमें एक बनानी है उसके लिए जो फॉर्मूला हमें जनरेट करना है वो इतने इतने आइटम्स का करना है। तो इसके लिए चलिए क्या करना है आपको, एस्केप करके बाहर निकलना है, और अब चलेंगे हम क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको आना है स्टॉक आइटम में। जैसे ही आप स्टॉक आइटम में आएंगे यहीं पर आपको F12 करना है, और F12 करने के बाद आप इस शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे। अगेन शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे तो जितने भी यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हैं वो सारी की सारी एक्टिव आ जाएंगे, एक्टिव होने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए ये रहा, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं,
चलिए हमें क्या बनाना है, देखिए इसका नाम क्या है, स्कूल किट। वॉट इट, स्कूल किट को हम पीसीस में ही ले लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है सेट कंपोनेंट बिल्स ऑफ मटेरियल, क्या आपको कंपोनेंट सेट करने हैं। मैं इसको यस कर देता हूं, और यस करने के बाद सेम वही हमें स्कूल किट जो है देना है। अब एक स्कूल किट सेट करने के लिए क्या क्या चीजें वो बोल रहा है, हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। एक पेन, शार्पनर दो, तो यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं, गो डाउन तो आपका वजन पूरा ही रहेगा। एक पेन, उसके बाद शार्पनर दो, इसके बाद क्या बोल रहा है, पेंसिल दो, इरेजर दो। तो यहाँ पे पेंसिल हमारा दो हो गया, याद रखिएगा गोडाउन गलत मत लीजिएगा, अगर आप गोडाउन गलत लेते हैं तो फिर वहां पे आपके आइटम जो है वो शो नहीं होंगे। इरेजर हो गया, इसके बाद रूलर एंड कंपास एक एक, तो यहाँ पे हम रूलर ले लेते हैं एक, और कंपास ले लेते हैं एक। चलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा दिया गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसको हम सेव कर देंगे। डन, देन इसके बाद हमें कितने पीस यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं वो देख लेते हैं। तो असाइनमेंट में जो हमसे बोल रहा है, आपको 300 पीस जो है वो स्कूल किट के प्रोड्यूस करने हैं, और उस पर जो पैकिंग कॉस्ट है 5,000 रुपये, और वेजेस जो है वो 10,000 रुपये वो हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो इसके लिए आप 2 अप्रैल को चलेंगे प्रोडक्शन करने। तो यहाँ पे इसका स्टेप्स, अगला परचेज वाउचर, और आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करना है। तो देखेंगे गाइज, आप ऑल्ट 7 जैसे ही प्रेस करेंगे F7, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आ रहा है, लेकिन आपको मोड चेंज करना है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मोड आ जाएंगे, आपके पास 3 चीजें आएंगी। आपको क्या लेना है, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे, देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट आ गया आपका, क्या है आपको क्या बनाना है, स्कूल किट, इसके बाद गोडाउन, ये रहेगा भजन पूरा आपका, और क्वांटिटी आपको कितनी प्रोड्यूस करनी है, यहाँ पे 300। देखिए यहाँ पे 300 क्वांटिटी के लिए ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज यहाँ पे नेगेटिव जाएगी गाइज, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि उतने आपके पास स्टॉक्स रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास तो अभी है, कोई हमारे पास जो है नेगेटिव आइटम्स शो नहीं हुए हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, तो यहाँ पे ऑल सी करके आप टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में देंगे, यहाँ पे पैकिंग कॉस्ट 5,000 रुपये। मैं पूरा असाइनमेंट इसलिए आपको करा रहा हूँ पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आप इसको सीखें, और इसको सीखने के बाद प्रैक्टिकली करें, और भारत शिक्षा मिशन को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी और वीडियो को भी आगे, ताकि और लोग इसमें जुड़ सकें और इसका फायदा उठा सकें और अपना जॉब कर सकें। तो पैकिंग कॉस्ट हमारा, इसको हम लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, दिस वन, और इसको सेव कीजिए। 2 मेथड होंगे, परसेंटेज या टोटल, तो यहाँ पे हमने दे दिया 5,000 रुपये। इसके बाद सेकंड जो आपसे एक्सपेंस बोल रहा है, वो बोल रहा है वेजिस 10,000 रुपये। वेजिस ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये इसमें हमारा 10,000 रुपये एड हो गया। तो देखिए टोटल यहाँ पे देखेंगे कि एक पीस जो हमारा पड़ा है वो पड़ा है हमारा 185 रुपये की पॉक्स रख पड़ा है, और बाकी जो टोटल कॉस्ट हमारी जो आई है वो ये आ गई। वॉट इट, तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। वॉट इट, देन इसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, 1 मई को हमने ट्रांसफर किए हैं 200 पीस ऑफ स्कूल किट भजनपुरा से यमुना विहार, राइट, और उस पर किराया भी लग गया है। अब किराए लगे ना लगे आपके ऊपर है, अगर आपका अपना ही है तो यहाँ पे हम इसमें स्टॉक ट्रांसफर करेंगे। देखिए ये ऑलरेडी हमारा ओपन है, अगर मैं कोई और शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो हम ऑल्ट के साथ F7 वापस यहाँ आ जाते हैं। तो ये वाला जो गोडाउन है, ये है कहाँ से, और ये है आपका कहाँ पर डेस्टिनेशन ले जानी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमें क्या ट्रांसफर करना है, स्कूल किट कहाँ से ट्रांसफर करनी है, 300 पीस हमारे भजनपुरा में है, और कितने ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है, 200। तो मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी ले लेता हूँ, और रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद सेम यही स्कूल किट, ये ट्रांसफर करने का ऑल्ट सी करके हम बनाएंगे। यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर करना है हमें, यमुना विहार में ट्रांसफर करना है। साथ के साथ ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गए, 200 रुपये हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। देन कॉस्टिंग ऐड करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, और अभी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। बट इट, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसफर भी हो गया। देन इसके बाद अब चाहें तो इसमें सेल कर सकते हैं। अब हम चलिए, एक बार मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम F8 यहाँ पे सेल करके देखते हैं, और एक वाउचर जो है वो प्रिंट करके देखेंगे इसका। मान लीजिए आपने सेल किया, कैश में सेल किया, कैश में, आगे सेल में क्या बोल रहा है, सेल का लेजर,
तो मैं यहाँ पे सेल बना देता हूँ। सेल अंडर किस में जाएगा? आपका सेल्स अकाउंट में। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमें क्या सेल करना है? हमें स्कूल किट सेल करनी है। कहाँ से? भजनपुरा। हम भजनपुरा से सेल कर रहे हैं दो स्कूल किट, और ये मैंने लगा दी 250 रुपये के, राइट। और इसके बाद आपको अगर इसको डिस्काउंट वगैरह देना है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं डिस्काउंट अलाउड के नाम से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। या आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसको 2% का डिस्काउंट दे दिया, 5% का भी दे सकते हैं, 10% का। और मैं इसको सेव कर दूंगा। नाउ इसको सेव करने के बाद इसको हम प्रिंट करके देंगे, तो डे बुक में आइएगा, और डे बुक में ये रहा हमारा सेल वाउचर। ऑल्ट पी प्रिंट करंट कंट्रोल पी, ठीक है। अब हम प्रीव्यू देख लेते हैं, तो जैसे आप प्रीव्यू देखेंगे और ऑल्ट जेड देखेगी, क्या बात है, ये आपका इनवॉइस निकला है। सो गाइज, आई होप मेरे द्वारा बताई गई सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। भारत शिक्षा मिशन, भारत शिक्षण अभियान, इसको आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा जितना चाहें आप बढ़ाएं, और गाइज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल के साथ मेरे जुड़े रहें, अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।